पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 फोटी नाइन टाइनटीन फोर्टी नाइन में लियात अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनकी तरफ से जो है वो पेश की गई ठीक है इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं और इसकी इम्पोटेंस ये है कि पाकिस्तान की तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज ए पीम्बल के तौर पर जो है वो यूज़ हुई है तो इसके पॉइंट देखते हैं कौन कौन से पॉइंट नंबर वन सॉवरिटी द सवरिटी ऑफ द दर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑल माटी अल्लाह and the 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 authority he has delegated to the state of Pakistan through his, its people for being exercised within the limits prescribed by him is a द trust ही uh, हाकमियत है ताकत है वो सारी अल्लाह के पास है और अल्लाह अपनी ताकत जो है वो ये अल्लाह जो हुक्मरान हमारे यहाँ तैनात किए हैं जो हमारे हुक्मरान हैं उनको ये जो उनके पास पावर है ये एज अ ट्रस्ट जो है वो सेट uh, ट्रस्ट के तौर पर होली ट्रस्ट ये अमानत है कि हमने जो हमारे हुक्मरान होंगे वो उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना होगी जो कि अल्लाह की तरफ से प्रस्क्राइब हैं उनको फॉलो किया जाएगा इस्लामिक लेजिस्लेशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ पाकिस्तान शेल बी फॉर्मुलेटेड इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना एंड नो लेजिस्लेशन विल बी डन टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम रिपगन कहते हैं अगेंस्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ पाकिस्तान जो है वो कुरान एंड सुन्ना की रोशनी में जो है वो बनाया जाएगा और कोई टीचिंग जो है वो कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट नहीं होगी पॉइंट नंबर थ्री इस्लामिक वैल्यू द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी फ्रीडम इक्वेलिटी टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस एज इनशियटेड बाई इस्लाम शैल बी फुली अब्जर्वड इस्लामिक वैल्यूज है फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी फ्रीडम है इक्वालिटी है डेमोक्रेसी है

टीचिंग ऑफ इस्लाम होगा और इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को यहाँ फॉलो किया जाएगा ये जो आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई थी इसके आने का मकसद ये था कि पाकिस्तान का उस वक्त तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो 1935 जो इंडियन एक्ट था उसको हम फॉलो कर रहे थे तो जो ब्रिटिश का था उसके अंदर थोड़ी बहुत मोडिफिकेशन करने के साथ मोडिफिकेशन की गई और उन मोडिफिकेशन के बाद ये जो है ये रूल ये जो है ये

पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब जी जो स्टेट फेडरल गवर्नमेंट मीन ये है कि जो एरियाज या जो आ, आपके आ, ट्राइबल एरियाज हैं या जो टेरिटरीज हैं जो पाकिस्तान के साथ एफिलियशन करेंगी मिल जाएंगी उनको जो है वो पावर्स दी जाएंगी और वो पावर्स और लिमिटेशन होंगी और वो सारी या जो भी स्टेट है जैसे लाइक कश्मीर है आजाद कश्मीर अब वो पाकिस्तान के साथ उसने एफिलियशन की हुई है गिलगित-बल्तिस्तान है ठीक है तो ये सारा कुछ क्या है कि इनको इस तरह से इन्होंने लेके चलना था कि वो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे तो जो पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशंस होंगे उनके अकॉर्डिंग ही वो फैसले अपने करेंगे उससे आगे नहीं जाएंगे इसी तरह ट्राइबल एरिया से फाटा है पाटा है फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज है प्रोवेशनली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज हैं ये सारे फंडामेंटल राइट्स There shall be a guaranteed fundamental rights including equality of status of opportunity and before law, social, economic and political justice and freedom of thought, expression, belief, faith, worship, and association subject to law and public morality so fundamental rights you have basic fundamental rights you have a social laws social rights economic rights political rights will justice there pakistan may equality hogi. और सब जो है वो यहां बराबर होंगे किसी में किसी किस्म का फर्क नहीं किया जाएगा फ्रीडम ऑफ थाट होगी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सोचने की आजादी है बयान करने की आजादी है लेकिन एक लिमिट है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बयान करता लिमिट्स है उनको क्रॉस नहीं करेंगे उनके अंदर ही रखेंगे ठीक है पॉइंट नंबर सेवन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज एडिकेट एडिकेट मीन इनफ प्रोविजन शेल बी मेड टू से माइनॉटीज एंड बैकवर्ड एंड क्लासेज माइनॉरिटीज़ जो यहाँ अकलीत हैं नॉन मुस्लिम उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी उनकी डिवेलपमेंट के लिए काम किया जाएगा और वो एरियाज बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ ये अलग से भी आ गया वही बात कि जो यहाँ नॉन मुस्लिम हैं उनको यहाँ प्रोटेक्शन दी जाएगी आगे चलते हैं जी लास्ट पॉइंट है इसका इंडिपेंडेंस ऑफ जूडिशरी Independence of judiciary. The independence of judiciary shall be fully secured. Azad dalte hongi. karne ki unko azadi hongi. Or kisi kisam ki nahi Importance of objectives resolution. The objectives resolution occupies a special importance in the constitutional history of Pakistan. Through this resolution it was declared that the establishment of an Islamic society in the light of Quran and Sunnah was the real purpose of the country. So that the purposes of the creation of Pakistan were fulfilled. That is why... This resolution is included in all three constitutions of Pakistan, which is 56, 62, and 73, as a preamble. Preamble, मैंने आपको पहले बताया था introductory chapter जो होता है उसको कहते हैं. तो objective resolution में ये बात थी कि हमारे यहाँ जो society होगी, it will be according to the Islam. It will be Islamic society. In the light of Quran and Sunnah, जो actual ideology of Pakistan है उसके मुताबिक होगी. तो ये इसी वजह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है वो इंक्लूड किया गया और ये जो है हमारे यहाँ एक प्राइम इम्पोर्टेंस रखती है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज ए प्रियम्बल एज ए इंट्रोडक्टरी चैप्टर के तौर पे जो है वो इसको ऐड किया गया ट्वेल्थ ऑफ मार्च 1949 को ये पास हुई इसको पास करने वाले लियाकत अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इनके नाइन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए इन नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है पॉइंट्स हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हम उसको डिस्कस करेंगे